में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में बड़ा हादसा, आग लगने से 5 कर्मचारियों की मौत। सीईओ अदार पूनावाला का बयान आया सामने। खनन क्षेत्र में राजस्थान ने लिखा इतिहास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में राज्य सरकार RSMML और MECL के बीच हुआ MOU। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का हुआ 13वां दीक्षांत समारोह। वर्चुअल कार्यक्रम में 533 विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। कोरोना के चलते ज्यादा लंबा नहीं होगा ये सत्र। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 गेट में आग लग गई। वहीं हादसे में 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि घटनास्थल से 6 लोगों को बचाया भी गया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि आग इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से लगी है। इस घटना के बाद सीरम के सीईओ अदार पूनावाला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि चिंता और प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को कोलकाता जाएंगे। यहाँ वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस में शामिल होंगे। इस दौरान वे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री असम के शिवसागर में जेरंगा पाथर भी जाएंगे, जहाँ वे 1.06 लाख भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को मनाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना आप जैसे युवाओं के हाथ में ही संभव है। एनसीसी परेड ग्राउंड में दिए भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के समय से ही एनसीसी द्वारा ये कोशिश की गई है कि युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो। एनसीसी कैडेट ने देश में आई कोविड महामारी के समय अपनी निस्वार्थ सेवा से अधिक संख्या में लोगों की मदद की है। सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं और अमेजॉन प्राइम वीडियो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने यूपी के मिर्जापुर जिले की गलत तस्वीर पेश करने के आरोप पर मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा इसे प्रसारित करने वाले OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो को भी तलब किया है। दरअसल इस वेब सीरीज के खिलाफ ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि इसमें जिले का गलत चित्रण किया गया है और इससे छवि खराब हुई है। खनन क्षेत्र में आज राजस्थान में एक नई शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में राज्य सरकार RSMML व MECL के मध्य MOU हुआ। ये कार्यक्रम वर्चुअली हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा का भंडार है। पिछली बार हमने इसके लिए बहुत प्रयास किए थे। आज का दिन हमेशा के लिए राजस्थान के इतिहास में दर्ज होगा। आज जो MOU हुआ है, इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान सरकार का इसमें पूरा सहयोग रहेगा। आज राजस्थान की पहचान बदल चुकी है। वल्लभ नगर विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत को सचिन पायलट ने श्रद्धांजलि दी। भिंडर स्थित पैतृक निवास से दर्जन भर विधायकों के साथ सचिन पायलट भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गजेंद्र सिंह शक्तावत की अंतिम यात्रा में सचिन पायलट, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। सभी विधायकों ने गजेंद्र सिंह के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। शक्तावत को कोरोना संक्रमण के चलते परिजनों ने PPE किट पहनकर चिता को अग्नि दी। इस मौके पर पूर्व डिप्टी CM पायलट ने कहा कि शक्तावत का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सरकार शक्तावत के सभी अधूरे कामों को पूरा करेगी। आज वल्लभ नगर विधायक और हम सबके साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी के स्वर्गवास के बाद आज उनके अंत्येष्टि यहाँ पर हुई है। मैं अपनी तरफ से सभी परिजनों को और क्षेत्रवासियों को सांत्वना देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनकी आत्मा को जगा देगा। बहुत कम उम्र में और अचानक जो उनकी मृत्यु हुई, उससे हम सब बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, और ना सिर्फ इस क्षेत्र की जनता और हमारी पार्टी, लेकिन हम सब लोग आज बहुत दुख हमें है कि एक नौजवान जो बहुत कर्मठ था, मेहनती था, और मैंने इनको देखा है बहुत सालों से, शक्तावत जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपनी बात पे अड़िग थे, एक निर्मल स्वभाव के और बहुत हंसमुख एक व्यक्ति थे, जिनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है, हानि है।
वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। ये कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित हुआ। विश्वविद्यालय के 533 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ में विद्या वाचस्पति, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि और डिप्लोमा प्रदान किए गए। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा का उपयोग समाज और देश के लिए करना चाहिए। सरकार की ओर से सरपंचों के वित्तीय अधिकार छीनने और पीडी खाते खोलने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भाजपा ने सरपंच संघों की मांगों का समर्थन किया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस फैसले के खिलाफ पत्र भेजा है। पत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलने एवं राज्य वित्त आयोग के तहत बजट आवंटित नहीं किए जाने का विरोध किया गया है। उत्पन्न स्थिति से राहत देने की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 साल से राज्य वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को बजट आवंटित नहीं किए जाने से गांव की सरकार का खजाना खाली है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण को जल्द ही मंत्रिमंडलीय कमेटी अंतिम रूप देगी। राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सभी विभागों से अपडेट आंकड़े लिए गए हैं। अब इन आंकड़ों के आधार पर विभागवार अभिभाषण के लिए बिंदु तय किए जा रहे हैं। साथ ही विभागों की ओर से बताई गई भावी योजनाओं को भी इस बजट भाषण में समायोजित किया जाएगा। कोरोना के चलते विधानसभा का ये बजट सत्र ज्यादा लंबा नहीं होगा। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 ने निलंबित आरएएस पिंकी मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। निलंबित आरएएस हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है। जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रार्थी ने ना तो रिश्वत की मांग की थी और ना ही एसीबी ने उससे कोई बरामदगी की है। इसके अलावा उसकी 16 फरवरी को शादी होने वाली है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका सरकारी वकील ने विरोध किया। सरकारी वकील का कहना था कि आरोपी को जमानत दी गई तो वह केस को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 27 जनवरी को सिरोही में बाबा साहेब की आदमकद मूर्ति का वर्चुअली अनावरण करेंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर विधायक संयम लोढ़ा एवं पालिका अध्यक्ष वंजीग्राम घांची ने अधिकारियों के साथ समारोह स्थल का अवलोकन किया। विधायक लोढ़ा ने समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार नगर पालिका प्रशासन की ओर से बस स्टैंड के समीप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए चयनित भूमि पर सर्किल का निर्माण करवाया है। इस मूर्ति पर करीब 8 लाख रुपए खर्च हुए हैं। राजस्व मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी की ओर से बायतू क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की नवीनीकरण की स्वीकृति मंजूर की गई है। विधानसभा क्षेत्र बायतू में 14 सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त थी। इनके नवीनीकरण को लेकर 5.23 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में काफी समय से कई सड़कें क्षतिग्रस्त थी। ग्रामीणों की लंबे समय से मांग थी सड़कों के नवीनीकरण से कई दर्जन गांवों के ग्रामीणों का सफर सुगम होगा। वहीं आगे भी निरंतर सड़कों की दशा सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने का प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। सरपंच संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर ग्राम पंचायत में ताला लगाकर विरोध किया गया। बूंदी जिले के करवर कस्बे में ग्राम पंचायतों के राज्य सरकार द्वारा पीडी खाते खोलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सरपंच संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सरपंच दीप कलानागर के नेतृत्व में ग्राम पंचायत का ताला लगाकर विरोध किया गया। सरपंच दीप कला, उप सरपंच पंकज दादीच, वार्ड पंच नीरज नागर उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत के जो वित्तीय अधिकार हैं उस पर एक कुठाराघात किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम सरपंच संघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत में तालाबंदी कर रहे हैं, ताकि सरकार अगर इस बात पे नहीं मानती है तो हम संगठन के हिसाब से आगे उग्र आंदोलन करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।